दोस्तों, इस वीडियो में हमने रीट लेवल सेकंड साइंस से क्वेश्चन लिए हैं। 35 प्रश्न हैं टोटल, 30 प्रश्न साइंस से हैं और 5 प्रश्न शिक्षण विधियों के हैं। इस तरह से 35 प्रश्न हो जाते हैं और ये रीट में महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम पेपर शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, सर जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, वाटसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, 2n बराबर, सॉरी ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। n बराबर 5 के ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या होती है 9, 16, 36, 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है AuAgAsGd। करेक्ट आंसर हो जाएगा Au। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः होगा 8:1, 1:8, 2:8, 6:12। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:8। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? मोम, रबड़, सादा नमक, प्लास्टिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सादा नमक। धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। धातु के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक, भौतिक, अपचयन, ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। अपचयन अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, संयोजकता बढ़ती है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। नाइट्रोजन लिटमस पत्र की प्रति होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। एक जलीय विलयन जिसका pH बराबर 0 है होगा उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, C2H2। करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n। सबसे लंबी प्राणी कोशिका है विषाणु, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, तंत्रिका तंत्र। तो इसमें हो जाएगा ये तंत्रिका कोशिका होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी प्राणी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, ब्राउन ग्राहम।
करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, दृष्टिपटल में, भ्रूण में। करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण में। निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, लाइपेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? कोई नहीं, मेडुला ओब्लोंगेटा, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर, मादा के शरीर से बाहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज, अंडजरायुज, जरायु अंडज, अंडज। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु को जन्म देने वाले जरायुज। वायरस जनित रोग है सिफिलिस, डिप्थीरिया, डेंगू, टिटनस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू। वह जैव रासायनिक चक्र जो गैसीय प्रावस्था युक्त होता है? कार्बन चक्र, सोडियम चक्र, फास्फोरस चक्र, मैग्नीशियम चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन चक्र गैसीय प्रावस्था युक्त होता है। बसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? बसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ए, डी, ई, सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है और बाकी जल में घुलनशील नहीं है, बसा में घुलनशील है। दूध में पाया जाता है माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। वाहनों के टायरों की बाहरी सतह जालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, टायरों को आकर्षक बनाने के लिए, टायरों की ताकत बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाने के लिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। गति के नियम की खोज किसने की? फ्रेडरिक, न्यूटन, एडिसन, एलेक्जेंडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इलेक्ट्रोवोल्ट मात्रक है विभांतर का, आवेश का, ऊर्जा का, संवेग का। करेक्ट आंसर होगा विभांतर का। आवेश का मात्रक है वोल्ट, कूलाम, न्यूटन, जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम। पृथ्वी से वस्तुओं के पलायन वेग का मान होता है 11.2 मीटर पर सेकंड, 3.7 मीटर पर सेकंड,
11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 मीटर पर सेकंड। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहने वाली धाराएं होती है, चालन, परिवहन, विकिरण, संवहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन। तो ये थे हमारे विज्ञान के 30 प्रश्न और अब हम 5 प्रश्न लेंगे शिक्षण विधियों से। परियोजना विधि के जनक है, मोंटेसरी, राइट, लिंडन, किलपैट्रिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। चिड़ियाघर का उपयोग विज्ञान शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह है प्रयोग प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि, पर्यटन क्षेत्र भ्रमण विधि, प्रायोजना विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण विधि। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायाचित्र। प्रश्नों को उनके प्रकार के आधार पर कितने खंडों में बांटा जाता है, 2, 4, 5, 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और ये हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है, निदान शब्द का प्रयोग साधारणतः किस क्षेत्र में किया जाता है, कला, संगीत, चिकित्सा, अभियांत्रिकी। तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा।